हेलो नमस्कार प्रणाम चरण में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने अल्टीमेटम दिया है 7 दिन का, अगर 7 दिन में अतिथि शिक्षकों की मांगें नहीं मानी जाती है तो आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर को CM के नाम का और जीतू पटवारी जी ने भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। बोला गया है कि सरकार ने जो घोषणा की थी वो पूरा करे सरकार, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी की जा रही है, इनका जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए अतिथि शिक्षकों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो दिखाने वाला, वीडियो बनाए वीडियो पूरा देखे, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, अपडेट पाने के लिए। स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। अतिथि शिक्षकों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। जयप्रकाश दुबे, अतिथि शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आज कलेक्टर महोदय के समक्ष माननीय मध्य प्रदेश सरकार के लिए हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग है 2 सितंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से घोषणा की गई थी, अतिथि शिक्षकों को उनको कम से कम 20 सत्र में नहीं हटाया जाएगा, 50% आरक्षण देने का वादा किया था, 20 बोनस अंक देने का वादा किया था एवं तनख्वाह डबल करने का वादा किया था, परंतु उस दिन से आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। और भाजपा सरकार कहती है हमारा वचन हमारा वेद है, हमारा ग्रंथ है, हमारा कुरान है, तो और कर्मचारी आंदोलन, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, हमारा साथियों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो व्यक्तियों की लड़ाई है। एक देश को जोड़ना चाहता है प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, और एक देश में बंटवारा चाहता है सत्ता के लिए, भाई से भाई को लड़ाना चाहता है सत्ता के लिए। आप और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में और ताकत दें। आप सब तैयार हैं? एक है जन आक्रोश और एक है जन आशीर्वाद। जन आक्रोश, 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है? 4 लाख करोड़ का कर्ज है, जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है? 2 लाख बहनें गायब हो गई मध्य प्रदेश से, जन आशीर्वाद है कि जन आक्रोश है? 40 एग्जाम हुए बच्चों के, 40 में ही घपले, जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है? किसानों की आत्महत्या में हम नंबर 1, किसान सबसे ज्यादा कर्जदार मध्य प्रदेश में, कर्मचारी आंदोलन, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, हमारे वेतन भोगी कोटवाल सब परेशान, फिर जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद? निर्णय मध्य प्रदेश की जनता को लेना है। साथियों, लाडली बहना,